नमस्कार, आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो मेरे यानी सुमन रावत की आवाज़ में। हाजिर हूँ एक बार फिर से लेकर कहानी संग्रह रेलवे स्टेशन की कुर्सी से एक और कहानी। इस कहानी संग्रह को लिखा है गुलशेर अहमद ने। पेश है इस कहानी संग्रह से पार्लर वाली भाभी। उम्र के इस पड़ाव में भी वो बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही है। उसका शबाब चौधरी की चांद की तरह है। पाकिजा नाम की इस औरत की उम्र जितनी बढ़ रही है, वैसी ही खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। ऐसी शबाब की मालकिन, ऐसा हुस्न देखकर कोई भी मोहित हो उठे। वैसे इस मोहल्ले में पार्लर वाली भाभी के नाम से ही इसे सब जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके असल नाम को कोई जानता भी होगा। मैं भी नहीं जान पाता यदि मेरा घर इसके पड़ोस में ना होता और इसका पति इसे नाम से नहीं पुकारता होता। मैंने कभी भी इस औरत को नाम से नहीं पुकारा। जैसे सब भाभी कहते थे, मैं भी भाभी कहकर ही पुकारता। और यदि जब कभी किसी दूसरे व्यक्ति से इसकी बात होती तो पार्लर वाली भाभी कहता। एक ही बिल्डिंग के आमने सामने वाला फ्लैट होने से मैं अक्सर इसका नाम इसके पति के द्वारा पुकारे जाने पर सुन लेता था। एक ही बिल्डिंग के एक ही फ्लोर पर फ्लैट नंबर 5 पार्लर वाली भाभी का घर और फ्लैट नंबर 6 मेरा घर। अक्सर जब कभी उसका शौहर नाम लेकर उसे पुकारता तो ये आवाज़ें हमारे घर तक भी आ जाती। उसके शौहर के जुबान से ही सुना था कि इस औरत का नाम पाकिजा है। कितनी पाकिजा है ये जानना अभी बाकी था। इसका शौहर उम्र में इससे तकरीबन 10 साल बड़ा था और बुढ़ापा उसको अपनी आगोश में लेने लगा था। दोनों की उम्र का फर्क मैं हर रोज ही देखता सुनता था। ये रूखापन, एक दूरी, एक जवान औरत जिसकी ख्वाहिशें उसका मर्द पूरा नहीं कर पा रहा था। और मैंने देखा कि ये उम्र का फासला और जिस्म की ख्वाहिशें पार्लर वाली भाभी को एक और गैर मर्द की तरफ धकेल रही थी। राजू लगभग इसी उम्र का एक खूबसूरत मर्द जो हमारे घर से कुछ दूरी पर राशन की दुकान चलाता और भाभी पर बहुत मेहरबान था। इतना मेहरबान कि कई बार अपनी बीवी से इसके लिए खरी खोटी सुन चुका था, लेकिन इसकी बीवी ने अभी तक पार्लर वाली भाभी को कुछ नहीं कहा था। पाकिजा तो एक ग्राहक की तरह दुकान पर आती, एक मनमोहक मुस्कान से राजू को मोहित करके चली जाती थी। इतनी मोहित कि इसके चले जाने के बाद भी राजू के वासना का लार टपकते रहता। पाकिजा सुनो, मैं आज बच्चों को साथ ही स्कूल छोड़ते हुए दुकान जाऊंगा, मेरा टिफिन भी पैक कर देना। उसके शौहर ने उसे पुकारा तब मैं अपने दफ्तर के लिए सीढ़ियां उतर रहा था। इनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा जो 8वीं कक्षा में पढ़ता था और एक बेटी जो अभी दूसरी कक्षा में थी। दोनों का स्कूल एक ही था। पार्लर वाली भाभी से जब भी मेरी मुलाकात हुई सीढ़ियों पर ही हुई। आज जब वापस दफ्तर से घर आ रहा था तभी वो कहीं जाने के लिए अपने घर से सीढ़ियां उतर रही थी। सलाम भाभी, मैंने सीढ़ियों पर ही रास्ता देते हुए सलाम किया। काले बुरके में लिपटे हुए चेहरे से दो खूबसूरत काली आंखों ने मुझे देखा। वालेकुम अस्सलाम, और कहते हुए वो आगे बढ़ गई। ऐसा कई दफा हुआ, हर बार मैंने सलाम किया और हर बार उन काली आंखों ने मुझे देखा और जवाब देते हुए आगे बढ़ गई। एक दो बार तो मैंने बात आगे बढ़ाते हुए सलाम के साथ हाल भी पूछा, लेकिन उन काली आंखों ने मुझे सलाम के जवाब से अधिक देर तक नहीं देखा। और बुरके के अंदर से जिस्म में सिरहन पैदा करने वाली आती आवाज़ ने सलाम के जवाब के अलावा और कुछ ना कहा। उसके घर से उसका पार्लर बहुत दूर नहीं था। उसका पति सुबह दफ्तर जाता तो रात को ही वापस आता। उसके दोनों बच्चे सुबह स्कूल के लिए निकलते तो शाम को उनके स्कूल की गाड़ी छोड़ कर जाती। पार्लर वाली भाभी का घर आना जाना अपनी मर्जी का था। पार्लर अपना था, कोई बोलने वाला या पूछने वाला नहीं था। वो जब भी आती तो किराने की दुकान से दूध और बिस्किट जरूर लेती थी। राजू से टपकती वासना की लार को पाकिजा बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। ये कुछ सामान की लिस्ट है,
कि आप 1 घंटे में मेरे घर पहुंचा देंगे। मैं ज़रा बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ। पाकिज़ा ने अपने चेहरे से पर्दा हटाकर एक पर्चा उसे थमाते हुए इतनी प्यार और मासूमियत से कहा कि राजू मना नहीं कर सका। वो मना करना भी नहीं चाहता था। एक बार तो अपनी बीवी का सोचकर उसने इनकार करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसके अंदर की वासना ने ये बहाना दिया कि ग्राहक तो भगवान स्वरूप है। उसने सारा सामान लेकर उसके घर की बेल दबा दी। ये पहली बार था कि राजू ने पाकिजा के घर के अंदर अपना कदम इस बहाने से रखा कि उसे चाय पीकर जाने को कहा गया। उस दिन के बाद वो कई बार सामान पहुंचाने आया। उसकी मना करने वाली जुबान ने चाय का जायका लिया और उसकी वासना ने पाकिजा के शबाब का। एक दिन जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तब राजू को उतरते देखा। क्या हाल है राजू भैया, मैंने हाल पूछा। ठीक हूँ, तू बता कैसा है, जवाब देते और पूछते हुए राजू आगे बढ़ा। अरे भैया रुको तो, कहाँ जा रहे हो, वो 2 सीढ़ियां उतर कर रुक गया। अरे भाई दुकान भी देखनी है और तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी भाभी मेरे पर कितना शक करने लगी है। हाँ पता है, आपने बताया था। एक और बात ही भैया, इतना कहा और फिर मैं चुप हो गया। हाँ बोलो क्या बात है, उसने पूछा। थोड़ा ज़रूरी बात थी, आओ घर पर बैठ कर बात करते हैं। अरे यार, उसने एक लंबी सांस ली और कुछ पल सोच कर कहा, ठीक है लेकिन बस 5 मिनट ही रुकूंगा। अरे भैया आपकी ही दुकान से दूध लेकर आया हूँ, चाय तो पी कर जाएं। इस बात पर राजू एक अजीब हंसी हंसकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई मैं तो पी चुका। हम दोनों आगे बढ़े, चाय की केतली में दूध डालते हुए पूछा, अभी सब काम धंधा कैसा चल रहा है राजू भाई। सब बढ़िया, तेरा भाई मजे में है, कुर्सी खींच कर बैठते हुए उसने कहा। चाय के कपों को संभालते हुए मैंने कहा, भैया इसे रोक दो, मत करो ये सब। क्यों बे, तुझे क्या हुआ, इस पार्लर वाली को अब तू अपनी माँ समझने लगा है क्या। हम इतनी बेतकल्लुफी से इस पर बात कर पा रहे थे क्योंकि मैं अक्सर राजू की दुकान पर बैठा करता था। इधर उधर की बातों बातों में हम पाकिजा के बारे में भी बात करते थे। राजू पाकिजा से जब भी मिलता तो ये सब मुझे बताते हुए खूब मजे लेता। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, मेरी उसके बेटे से बात होती है और इमरान भाई से भी। यदि दोनों बाप बेटे को पता चलेगा कि आप दोनों के बीच चक्कर है तो कैसा लगेगा उन्हें, मैंने चाय बढ़ाते हुए पूछा। उसने चाय की एक लंबी चुस्की ली और कहा, किसी को पता नहीं चलेगा, इस समाज में कुछ औरतें शादीशुदा वेश्या होती हैं और वो हमेशा बची रहती हैं, क्योंकि या तो वो किसी एक क्लास की औरतें कहलाती हैं जिन्हें कोई कुछ कहने से भी डरता है, या फिर इनके मर्द जिंदा होते हैं जैसे ये है तेरी पार्लर वाली भाभी। चाय खत्म करके राजू चला गया और मैं पार्लर वाली भाभी और उसके परिवार का सोचता रहा। अरे कहाँ है ये कलमुहा, हाँ क्यों नहीं निकलता बाहर, और ये कलमुही मर क्यों नहीं जाती, हमारे मर्दों को अपने वश में किया हुआ है, हाय मैं क्या करूँ। गालियाँ हल्ला आवाज शोर शराबा सुना तो मैं अपने घर से बाहर आया, देखा राजू की बीवी हल्ला करते चिल्लाते हुए गालियाँ देते सीढ़ियाँ चढ़ रही है। मुझे समझते देर ना लगी और मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी राजू का फोन आया। अरे भाई कहाँ है, घर पर है, उधर से आवाज़ आई। वो जानता था आज रविवार है और मैं घर पर हो सकता हूँ। राजू पार्लर वाली भाभी के साथ उसके ही घर में गुत्थम गुत्थी था कि उसकी बीवी को कहीं से पता चल गया। अरे भाई आज किसी भी तरह बचा ले, चुप कराओ उसे, नहीं तो आज वो मेरी इज्जत पूरे मोहल्ले में लुटा देगी। वो फोन पर बहुत गिड़गिड़ाया। अरे भैया आपका ही बोया पेड़ है, फल बटोरिए, मैंने राजू से कहा और वो फिर गिड़गिड़ाया। एक शर्त पर ये करूंगा, यदि आज के बाद ये सब आप नहीं करोगे। मैंने उसके सामने एक शर्त रखी और वो एक पल में मान गया। वो ऐसी परिस्थिति में था कि उसे मानना ही था। फिर मैंने दरवाजा खोला। अरे भाभी क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्यों शोर मचा रही हो। अरे क्या बताऊं बबुआ, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, और रोते चिल्लाते पाकिजा के घर के दरवाजे पर एक जोर की लात मारी। क्या तुमको पता नहीं है ये सब, जानती हूँ तुम भी उसके साथ मिले हो। मैंने उसे डराया और बोला, आप मुझे गलत समझ रही हो भाभी,
और हाँ, यदि वो यहाँ नहीं होंगे तब क्या होगा? आप पर पुलिस केस भी हो सकता है। आप शांत हो जाओ, मैं पता करता हूँ। तब वो थोड़ी शांत हुई, मैंने पानी पीने को कहा और किसी तरह उसे ऊपर वाले फ्लोर के लॉबी में ले गया, ये कहते हुए कि यहाँ का वाटर सप्लाई खराब हो गया है, और उसे समझाता रहा। इतनी देर में राजू वहाँ से फरार हो चुका था। किसी भी तरह राजू की बीवी को समझा कर उसे उसके घर भेजा। उसके बाद राजू को कभी भी सामान लाते या किसी भी तरह से इधर नहीं देखा। मुझे एक बार तो गर्व हुआ कि मैंने एक अच्छा काम किया और राजू को बचा लिया, और उसकी पल गिलानी हुई कि मैंने कितना गलत किया कि एक गुनहगार की मदद की। शाम तक ये बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी, लेकिन सबको ये लगता था कि उसके अलावा और कोई नहीं जानता। पार्लर वाली भाभी ने अपने जरूरत के सामानों के लिए एक नए दुकान का चुनाव कर लिया था। दोस्तों, ये थी रेलवे स्टेशन की कुर्सी कहानी संग्रह से एक कहानी, पार्लर वाली भाभी। जल्द हाजिर होंगी इसी कहानी संग्रह से लेकर एक नई कहानी। तब तक सुनते रहिए बुक ऑडियो।